हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड टुडे वी विल रीड इंग्लिश लेसन 4, द लॉयन एंड द माउस. बच्चों, आपने छोटे में एक चूहे और शेर वाली कहानी पढ़ी होगी ना. आज हम उसी कहानी को इसमें फिर से पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. तो लेट्स स्टार्ट. देयर वॉज अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट. One day he was taking rest in the shade of a tree. He felt drowsy and fell fast asleep. A mouse climbed up the lion and began to jump on his body. The lion caught the mouse in his paw. He wanted to kill it, but mouse requested him to set it free. The mouse said that it could also be helpful to him sometime. The lion began to laugh, but the lion let it go. तो यहाँ पे जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक शेर है और शेर के हाथ में पंजे में क्या है, चूहा है. तो देयर वॉज अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट. लॉयन मीन्स शेर और फॉरेस्ट मीन्स जंगल. एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था. वन डे ही वॉज टेकिंग रेस्ट इन द शेड. रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम करना, और शेड मतलब होता है छाया में. वो एक पेड़ की छाया में आराम कर रहा था. ही फेल्ट ड्रोजी एंड फील फास्ट एज स्लीप. ड्रोजी मतलब उस स्लीप, बहुत गहरी नींद आना और जल्दी सो जाना. तो उसे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी उस दिन, और जिसके कारण वह थोड़ी देर में क्या हुआ, गहरी नींद में सो गया. अ माउस क्लाइम्ड अप द लॉयन. क्लाइम्ब मीन्स चढ़ना और माउस मीन्स चूहा. वो एक चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया. एंड बिगन टू जम्प ऑन हिज बॉडी. बिगन मतलब शुरू करना, जम्प मीन्स कूदना, और उसके बॉडी के ऊपर चढ़ के कूदना स्टार्ट कर दिया. द लायन वोक अप. वोक अप मीन्स जाग जाना. शेर था वो जाग गया. द लायन कॉट द माउस इन हिज पॉ. कॉट मीन्स पकड़ लेना, पॉ मीन्स अपने पंजे में. शेर ने उस चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया. ही वॉन्टेड टू किल इट. वो उसको मारना चाहता था, लेकिन द माउस रिक्वेस्टेड हिम टू सेट इट फ्री. लेकिन चूहे ने उसे रिक्वेस्ट करना मतलब विनती करना कि मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो. द माउस सेड दैट. तब चूहे ने कहा, इट कुड बी ऑल्सो हेल्पफुल टू सम टाइम. मैं तुम्हारे भी कभी न कभी मदद आऊँगा. द लॉयन बिगन टू लाफ. और जो शेर था वो लाफ मीन्स हंसना, और शेर ने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि एक छोटा सा पिद्दी सा चूहा वो मुझ जैसे शेर की, जो जंगल का राजा है, उसकी कैसे हेल्प करेगा. बट द लॉयन लेट इट गो. लेकिन उसने फिर उसको आज़ाद कर दिया, जाने दिया. थैंक यू स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे. थैंक यू.